डाक बंगलो बनिहाल में पुलिस पब्लिक दरबार इनकार किया गया, जिसकी सरबराही एसएसपी रामबन पीडी नित्या कर रहे थे। एडिशनल एसएसपी रजनी शर्मा और एसएचओ बनिहाल भी वहां मौजूद थे। मीटिंग में भारी तादाद में लोगों और पंचायती नुमाइंदगान भी मौजूद रहे। इसी दौरान पुलिस ने अवामी मसाइल सुनकर जल्द हल करने की यकीन दहानी कराई। मजीद जानकारी के लिए देखिए आशियाना के साथ मेहरान वानी की ये रिपोर्ट। वहाँ पे आ जाते हैं, हम खिलाफ नहीं है उस पर। जब एक महामारी खत्म हो हर एक इलाके से बनिहाल की जो बीबीसी की कॉन्स्टिट्यूंसी साथ है वहाँ से उनके लिए एक एक बंदा जो है उनको चाहिए मैनेजमेंट में। हम कलेक्टिवली पूरे बनिहाल की तरफ से गुजारिश करते हैं, जो हमारी एनजीओज यहाँ पे काम कर रही है उनमें से एक एक लड़के को ना तो उसमें वो तो मुझे लगता है सब उसके साथ है जो एनजी क्या सा शहरी से ऑक्सीजन सब लोग उनके साथ कैंप यही काम करते हैं। इनको पता है कि यहाँ पर क्रिटिकल गैप्स कहाँ पे हैं, क्या चीज़ करने की, आप डीसी साहब से बात करेंगे। दूसरी बात मैं भूल गया, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, पुलिस और पब्लिक की रिलेशन की जिंदा मिसाल ये है कि आपने महू मंगेत में चौकी दी है। पहले आज से 10 साल पहले लोग पुलिस के पास जाने में, ऐसे तो काफ़ी बार मैं आई हूँ, आज पहली इंटरेक्शन थी पुलिस पब्लिक मीटिंग की। यहाँ पे काफ़ी मॉडर्न लोग आए बनिहाल के, अलग अलग यूनिट से, ऑर्गेनाइजेशन से मॉडर्न लोग हैं, सरपंच हैं, पंच हैं। इन लोगों ने अपनी बातें रखी ऑन बिहाफ ऑफ बनिहाल कि क्या यहाँ के इश्यूज़ हैं, मेन इश्यूज़ जो यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को पर्टेन करते हैं या लोगों को डायरेक्टली पर्टेन करते हैं, वो सारे इश्यूज़ मैंने नोट किए हैं और जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, एजेंसीज हैं, उनकी भी नोटिस में लाया जाएगा, सो दैट एक एमिकेबल तरीके से इन प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन निकाला जाए जी। और एक ये मीटिंग अच्छी भी रही एज अ फीडबैक मैकेनिज्म कि लोग हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं आगे वाले आने वाले टाइम में। कोविड जैसे जैसे कोविड लॉकडाउन अभी ख़त्म हो रहा है और एक टफ टाइम लोगों ने भी देखा है और हमें भी एक इम्प्लीमेंटेशन करने में भी एक आई वुड से कि लोगों ने मदद भी की है हमारी। तो मैं चाहूँगी कि जो 30 दिन का लॉकडाउन हमारा हुआ है उसको लोग भूले ना और अनलॉकडाउन में एकदम से क्राउडिंग ना करें। जो जैसा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो जो दुकानें और सर्विसेज खुली हैं वहाँ पे लोग भीड़ ना इकट्ठा करें और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें।